वायनाड में भूस्खलन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने गृह राज्य केरल का दौरा किया। वायनाड दौरे के बाद शशि थरूर ने यात्रा के लिए सोशल मीडिया पर एक बयान दिया, जिस पर बवाल मच गया। भाजपा ने उन्हें घेरा तो उन्होंने सफाई दी। थरूर की पोस्ट पर बवाल। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने वायनाड दौरे के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, वायनाड में एक यादगार दिन की कुछ यादें। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस दुखद घटना के संदर्भ में यादगार शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। भाजपा आईजी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी थरूर की इस पोस्ट की आलोचना की। मालवीय ने कहा कि शशि थरूर के लिए मौतें और आपदाएं यादगार है, जो बेहद संवेदनशील है। पोस्ट का बचाव करते हुए थरूर ने कहा कि यादगार का अर्थ होता है जिसे याद रखने की संभावना होती है। उन्होंने समझाया कि शब्द का मतलब यह नहीं कि कोई खुशी की घटना है, बल्कि यह एक ऐसी घटना है जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। अपने अंग्रेजी शब्दावली के लिए चर्चित थरूर ने कहा कि उनका मतलब किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वायनाड हादसे में 344 की मौत। वायनाड के चूरल माला और मुंडकई में 30 जुलाई को हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शनिवार तक 344 हो गई है। अपडेट के अनुसार 215 शव और 143 शरीर के अंग बरामद किए गए, जिसमें 98 पुरुष, 87 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं। 212 शवों का पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 140 शरीर के अंग और 148 शवों की पहचान अब तक रिश्तेदारों द्वारा की जा चुकी है। इस त्रासदी के बीच शशि थरूर के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जिसके चलते उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी। हालांकि उनका उद्देश्य केवल इस यादगार दौरे का उल्लेख करना था, लेकिन इस शब्द के प्रयोग ने विवाद उत्पन्न कर दिया।